हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा दसवीं सामाजिक ज्ञान के भूगोल का वीडियो हम पूरा लेके आए हैं। पूरी भूगोल हम एक ही वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम यहाँ पे अपने सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो चट्टाने। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन विस्तार है? तो 33। उसके बाद है चौथा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या रोपणी कृषि होती है? तो उसका आएगा पंजाब, सॉरी उसका आएगा उत्तराखंड। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनःपूर्ति योग्य। फिर है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो वह आएगा सी वाला, ब्रूनलैंड कमीशन। और आठवें में भी सी आएगा, राजस्थान। इसके बाद देखते हैं खालिस्तान। तो खालिस्तानों के उत्तर यहीं दिए हुए हैं, आप लोग यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। पूरे आंसर यहीं है, एक ही पेज पे आ रहे हैं। उसके बाद है जोड़ी, जोड़ी के बाद है एक वाक्य में उत्तर, उनके भी उत्तर वहीं दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको एक एक उत्तर नहीं बता रहा हूं। ये उत्तर यहां पे हैं सभी के, 1, 2, 3, 4, 5 के। उसके बाद है सत्य, 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 सत्य के उत्तर भी इनके नीचे ही दे रखे हैं। आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, निम्न में से सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न कोई दो समस्या, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। एजेंडा 21, मृदा निम्नीकरण, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के उपाय। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं, चादर अपरदन, के बाद है बांगर और खादर में अंतर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के लिए किए गए दो प्रयास, नेक्स्ट मृदा निम्नीकरण के दो कारण, नेक्स्ट स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। ये हमारा पार्ट एक पूरा हुआ। पार्ट दो, वन और वन्य जीव संसाधन, तो इसके भी उत्तर बता देता हूं मैं आपको फटाफट। देखिए पहले वाले ऑब्जेक्टिव में डी स्थानिक, दूसरे का ए, तीसरे का है फिर ए, चौथे का है बी और पांचवे का है सी। इसके बाद अगले देखते हैं। गिरिक्त स्थान,
हिमालयन यह एक क्या है, औषधीय पौधा है। ऐसे पांचों के उत्तर नीचे दे रखिए। अगली जोड़ी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर दे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। सामाजिक ज्ञान परीक्षा की तैयारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सामाजिक ज्ञान के सारे वीडियो देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों के वीडियो डल रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता या तेंदुआ। इसके बाद इन पांचों के देखने के बाद सत्य सत्य देखते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में विविधता जैव विविधता कहलाती है। वैसे ज्यादा अगर हम नहीं लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं उसको, और आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख लेना। संकटग्रस्त जातियां जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, ये कम मिलते हैं अब, ये संकटग्रस्त जातियां हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? वनों की कटाई के दो परोक्ष परिणाम, एकल वन जातीय के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आया है? IUCN का अर्थ और भारत में जैव विविधता को कम करने वाले दो कारण, पहले IUCN का अर्थ देख लो। उसके बाद भारत में जैव विविधता को कम करने के दो कारण। जैव विविधता में कमी लाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के उपाय। तो यहां तक हमने दो पार्ट तक आप लोगों को बता दिया है, ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में दो तीन घंटे में एक अगला वीडियो डाल रहा हूं जिसमें आपके अगले पार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।